गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम है की एंड कटर्स। इसका क्या यूज है? जब भी कभी पावर ट्रांसमिशन करवानी होती है कहीं पर भी, तो वहां पर की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है। तो ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सारा न्यूमेरिकल बेस पे है, मतलब कि आपको डायमेंशन जो होगी वो एक कैलकुलेशन बेस पे निकालनी होगी। तो सबसे पहले नॉर्मल स्टार्ट करते हैं। की क्या है? की इज ए पीस ऑफ माइल्ड स्टील, MS बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। की इज ए पीस ऑफ माइल्ड स्टील, यानी कि एक माइल्ड स्टील का बना होता है, लोहे की बनी होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इंसल्ट, ये इंसल्ट होती है बिटवीन किसी के बीच में, किस किस के, सॉफ्ट एंड हब, दो चीज होती है माय डियर स्टूडेंट। एक होल होगा, एक एग्जांपल लेते हैं हम यहां पर, ये सर्कल मास्टर है, मान लीजिए ये हमारा हब है, तो जो ये है मार्कर, यहां पर ये काम कर रही है शाफ्ट का, और जिस होल के अंदर ये गया हुआ है उसको हम बोलेंगे हब। ठीक है, HUB हब। अगर मान लीजिए मुझे इसमें पावर ट्रांसमिशन करवानी है ताकि ये भी गोल घूमे, अभी मैं ये गोल घुमा रहा हूं, क्या यहां पे कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। बट जब इन दोनों के बीच में मैं ये गैप जो बचा हुआ है ये बिल्कुल प्रॉपर फिल कर दूं विद द हेल्प ऑफ की, इन दोनों के बीच में की डाल दूं। अब यहां पर की वेरियस टाइप की हो सकती है, वुड की भी हो सकती है, माइल्ड स्टील की भी हो सकती है, डिपेंड करता वर्क के ऊपर। तो यहां पर मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर एक मैंने लोहे की पिन फंसा दी और ये एकदम फिक्स हो गया। अगर मैं इसको घुमाता हूं तो ये भी घूम रहा है, तो ये दोनों चीज घूम रही है, तो यहां पर क्या होगा? पावर ट्रांसमिशन हो गई, यहां से यहां पर हो गई। ये चीज समझ में आया? ये कहना चाह रहा है शाफ्ट एंड हब ऑफ द मीटिंग मेंबर, यानी कि इन दोनों के बीच में मीटिंग हो रही है। आगे क्या कह रहा है? सच एज, और कहां पे यूज होता है? अभी तो ये एक एग्जांपल दिया, एक्चुअल में क्रैंक शाफ्ट के अंदर यूज होती है, जिसको हम बोलते हैं क्रैंक, पुल्ली एक्सेट्रा। अब पुल्ली मैंने आपको पिछले चैप्टर में सेकंड ईयर वालों को पढ़ाया था, आप लोगों के लिए पुल्ली बता दूं, जो ड्रिल मशीन होती है उसके ऊपर लगी होती है। एक एग्जांपल देख लीजिए, 3D डायग्राम देख रहे हैं, ये है पुल्ली का डायग्राम। लेथ मशीन पे देखी होगी आपने या ले उस पे ड्रिल मशीन पे देखी होगी, ये पुल्ली जो है पावर ट्रांसमिशन के काम पे आती है। तो शाफ्ट, हब और पुल्ली और साथ में एक शाफ्ट, ये तीनों का कॉन्टेक्ट अच्छा रहता है। और क्रैंक शाफ्ट जो है, ये क्रैंक नाम दिया गया, क्रैंक शाफ्ट क्या होती है वो आप 3D डायग्राम देख रहे हैं यहां पर, ये है क्रैंक शाफ्ट। इसका क्या काम होता है? जो हमारा पिस्टन होता है बाइक के अंदर, गाड़ी के अंदर जो पिस्टन होता है, अप एंड डाउन करवाने की जो मूवमेंट होती है वो इसी के ऊपर डिपेंड होती है। ये चीज समझ में आ गई। आगे पढ़ते हैं, इन एन एक्सल डायरेक्शन, मतलब जिसमें आपकी मोटर रोटेट कर रही है उसी डायरेक्शन में ये आपको रोटेशन पावर ट्रांसमिशन करवाएगा। दो नंबर की थ्योरी समझ में आ गई। अब हम देखते हैं की कैसी होती है, हब क्या होता है और शाफ्ट क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले नॉर्मली की जो है डिफरेंट टाइप की होती है। गिव हेड की सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट आपके लिए सबसे ज्यादा है, बाकी फर्स्ट ईयर में तो की पढ़नी पड़नी है। यहां पर रेक्टेंगुलर दिखाई दी गई है आपको, ये रेक्टेंगुलर की है, स्क्वायर की होती है, गिव हेड की होती है, और भी पिन टाइप होती है, डिफरेंट टाइप की होती है। अब यहां पर हम पढ़ेंगे की वे, जहां पर की जाएगी, यानी कि ये तो हो गई की, ये है इसका की का रास्ता जिसके ऊपर ये की रखी जाएगी, आदि इसके ऊपर होगी। की वे किसके अंदर? शाफ्ट। ये क्या है शाफ्ट? शाफ्ट जो है एक लोहे का गोल रोटेशन पीस है जिसके अंदर से मोटर लगी हुई है, यहां पर हमने मोटर कनेक्ट कर रखी है, इसको हम रोटेट करवाएंगे। अगला है जिसके अंदर थ्रू ये हम लगाएंगे, तो जो की होगी इसका आधा पोर्शन जो होगा इसमें रहेगा और ऊपर वाला पोर्शन यहां पर रहेगा, किसमें? की वे में। और ये है की वे, की वे डाउन के लिए, की वे अप के लिए। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं आगे के लिए, की शाफ्ट और हब, ये तीन चीज आपको दिखा दी गई है। अब मैं एक बार तीनों चीज 3D पे दिखा देता हूं। सबसे पहले ये है जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये है की, ये जो है रेक्टेंगुलर की है, डिफरेंट टाइप की आती है। आगे बढ़ते हैं, ये है शाफ्ट जो आपको दिखाई गई है, ये शाफ्ट है, इसमें देख रहे हैं आप स्लॉट कटा हुआ है, ये जो स्लॉट है इसमें की लगी रहेगी। अब आप देख रहे हैं अगला हब, जो ये आपको मैं यहां पर दिखा रखा 2D में, ये है हब, यहां पर ये दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एक स्लॉट बना हुआ है छोटा सा, इस स्लॉट के अंदर की जाएगी। अब यहां पर आप तीनों की असेंबली देख रहे हैं, जबकि आपको सामने स्क्रीन पे है, ये है इसकी असेंबली। ये चीज समझ में आ गई आपको? तो सबसे पहले बाहर हो गया हब, अंदर की तरफ हो गया हमारा शाफ्ट, और बीच में हो गई की। ये चीज समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ की, टाइप्स ऑफ की तो कितने टाइप की होती है? तो माय डियर स्टूडेंट, वैसे तो नॉर्मली बहुत सारी टाइप की होती है, पर आपको जो पढ़नी है, एक है शैंक की, दूसरा है सेडल की, जो आपके सिलेबस में है,
SUNK सैंक की, दूसरा SADDLE सैडल की, ये आपको पढ़ना है। अभी तक की ये थ्योरी है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि दो टाइप की होती हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ की, नंबर वन संक की एंड सैडल की। यहां पर ये वाली की सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी टाइप आती है। तो संक की, दिस टाइप ऑफ की इज संक पार्टली इन द कीवे, इन द कीवे ऑफ द सॉफ्ट एंड पार्टली इन द कीवे ऑफ द हब ऑफ द मीटिंग मेंबर्स। यहां पर ये क्या कहना चाह रहा है कि जो आपकी संक की है ये दो मेंबर के बीच में पार्टली करता है, यानी कि जो हब होगा और जो साफ्ट होगी उन दोनों के बीच में ये फिक्स रहेगा और दोनों के बीच में पावर ट्रांसमिशन इजीली करवाने देगा। और यहां पर अगर ये साफ्ट नहीं होगी, ये साफ्ट के बीच में जो की है ये नहीं होगी, तो किसी भी कीमत पर आपकी पावर ट्रांसमिशन नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें हम संक की आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, तो ये कुछ इस प्रकार है। नंबर वन, रेक्टेंगुलर पैलर संक की, जैसे कि मैंने अभी आपको डायग्राम बना के दिखाया था, यहां पर ये है रेक्टेंगुलर की, रेक्टेंगुलर की बोल सकते हैं, रेक्टेंगुलर पैलर की बोल सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है स्क्वायर, तो ये है स्क्वायर की। तीसरे पे वुड रफ की, टेपर सेंक की, फिगर की, गिन हेड की और राउंड की। यहां जो ये है ये वाली की, टेपर की, और सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है जिनके नीचे मैंने अंडरलाइन की है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक चैप्टर 5 की यहां तक थ्योरी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। इस टॉपिक के ऊपर अपनी एक वीडियो होगी, इसके ऊपर अलग टॉपिक होगा। तो यहां पर ये इसकी शीट बनेगी, प्लस थ्योरी होगी, प्लस इसकी कैलकुलेशन होगी प्रॉपर नीट एंड क्लीन। एक पूरा न्यूमेरिकल बेस फंडा होगा, वो आपको फुल आपको डी दिया जाएगा और पूरी कैलकुलेशन के बेस पर आपको एक हब की बनानी होगी, रेक्टेंगुलर की बनानी होगी, साफ्ट बनानी होगी। ठीक है, तो ये जो है 6 से 7 आपको सीट पे कैसे बनानी है, एक शीट हो जाएगी। सीट पे 4 आते हैं तो 4 बनाए, 3 आते हैं तो 3, 5 आते हैं तो 5, सारे एडजस्ट हो सकते हैं तो एक सीट पे सारे एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे बेसिकली इन सब से 2 सीट कंपलसरी होती है हर बार, इस चैप्टर से 2 सीट कंपलसरी होती है, यहां तक कि इतने टॉपिक से। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।